हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रोहित एंड वंडर इन रूबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, मैं हूँ अभी फिलहाल गुवाहाटी में आसाम। तो आज से आसाम में घूमूंगा लगभग 15-20 दिन के लिए। विलेज एरिया में जो एक्सपीरियंस होता है ना विलेज एरिया में, वो डिफरेंट होता है। तो पहला मेरा विलेज है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है मयोंग। आप गूगल भी कर सकते हो, इट्स अ वेरी फेमस फॉर ब्लैक मैजिक। फाइनली लगभग गुवाहाटी सिटी से थोड़ी दूर आया हूँ आगे। यहाँ पे एक गांव है, विलेज है। यहाँ पे आप नदी देख सकते हो, कितना खूबसूरत नदी है, शायद ब्रह्मपुत्र होगा, छोटा सा नहर जैसा। मयोंग जो है ना ब्लैक मैजिक के लिए यहाँ पे फेमस है। वहीं पे मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ समबड़ी, क्योंकि मेरे साथ एक हॉस्टल में एक दोस्त था, वो भी आ रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इस विलेज में थोड़ा घूमूंगा, देखूंगा यार विलेज का एरिया, ठीक है ना। मैंने वहाँ से एक छोटा टमटम से आया हूँ, लगभग वो छोटे हाथी रहते हैं ना जो जहाँ पे भी मिलते हैं आपको, उस छोटा हाथी से आया हूँ यहाँ पे। लगभग 40 रुपीज़ उसने लिया गुवाहाटी से यहाँ तक। तो आगे मयोंग के लिए और 40 होंगे शायद, क्योंकि ये है चंद्रपुर, इस गाँव का नाम है चंद्रपुर। यहाँ ये वाला पूरा गाँव यार ठंडा और पहाड़ी वाला, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। मैं सोच रहा हूँ अभी टैक्सी वैक्सी भी नहीं मिलेगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, जो टमटम भी तो होते हैं ना छोटे वाले, उसे जा सकता हूँ मैं। सत्य हो यार, बहुत खूबसूरत गाँव है यार। पूरा पहाड़, उसके बीच गाँव, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि टमटम वाले जाएंगे ना छोटे छोटे। हाँ, टमटम वीडियो इधर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो जाऊँगा, तब तक चलते देखता हूँ नज़ारा, गाँव का नज़ारा देखते हो। थैंक यू अंकल। मुंबई सोच रहा हूँ कि यहाँ से हिच हाइकिंग करूँ। बहुत ही अच्छे बंदे यार यहाँ पे, सारे लोग अच्छे हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई ज़्यादा इरिटेट नहीं करता कि कहाँ छोड़ दूँ, है ना। और मैं जो हॉस्टल में था ना आज, वहाँ पे मत जाना कभी। गब्बन हॉस्टल अगर गुवाहाटी में है, दो ही हॉस्टल अवेलेबल है वहाँ पे, एक तो हॉस्टल एक अलग वाला है और एक गिब्बन का है। हालांकि वो अच्छा है, बहुत सारे बंदे जो ट्रैवलर से वहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी यार। मैं सुबह वहाँ पे गया था खाना खाने बाहर गया था, तो मैंने बोला उसको मैं चेकआउट करूँगा 12-1 बजे। तो मैं खाना खाने बाहर गया हूँ और मेरा बैग जो है ना, पूरा बैग का मैंने मेरे बेड पर रखा था, मेरा जो बंच मिलता है ना हमें सोने के लिए, उसमें रखा था। मैं आने से पहले बंदे ने क्या किया, पूरा उठा के बाहर रख दिया, लैपटॉप मेरा पूरा चार्जर उसमें। तो मेरे को बहुत बुरा लगा यार, सही में एक बुरी बात है। आप विदाउट मेरी परमिशन मेरी जो चीज़ें हैं आपने हाथ कैसे लगाए ना। तो हॉस्टल बहुत बुरी है, मेरे एक्सपीरियंस तो रहा है, अगर आपको आना है तो वहाँ पर आ सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। जा रहा हूँ वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर, थोड़ा देखूंगा क्या है नज़ारा, क्योंकि थोड़ा अलग लग रहा है ना। वहाँ पे ऊपर जाऊँगा, उसके बाद देखूँगा कहाँ पे रुकना है रात में। मेरे पास तो ऑलरेडी टेंट है, तो कहाँ पे भी टेंट लगवा सकता हूँ यहाँ पे।
नहीं आप जाइए, मैं जाऊंगा फिर वापस, कोई बात नहीं। खराब नहीं बना था। अच्छा 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 है नहीं रिया। हाँ ओके, तो मैं देखूंगा ऊपर थोड़ा घूमूंगा, उसके बाद देखता हूँ कहीं यहाँ पे टेंट लगवा सकते हैं, रह सकते हैं ना, क्या रह सकते हैं ना गांव में शाम को। हाँ मेरे पास टेंट है, मैं रह लूँगा। जानवर बिनवर नहीं रहते ना, फिर रह लूँगा कहाँ पे भी, है ना। थैंक यू, ओके। मैं हूँ एक गांव में, कौन सी गांव है मुझे पता नहीं है, आसाम में। तो यहाँ मैं ऊपर जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं 8-10, तो उन्होंने मना किया कि आप ऐसे जाओ, सारे लोगों ने दारू पी रखी है। एंड मुझे बोले कि यहाँ पे आप गणेश मंदिर आगे वहाँ पे जा सकते हो। सारी जो भी बाहर का अगर बंदा आता है अंदर, तो उनको भी डर लगता है यार, कौन है क्या है, चोरी करेगा कुछ, है ना। इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत लेक्चर दिया मुझे आधा घंटा। ये गाँव है तो बढ़िया मौसम है। हाँ हाँ, ये वाला गणेश मंदिर है गाइस। कौन सा गांव है एक्चुअली ये वाला? ये मोरीगांव का हाथी उठा। हाथी उठा, हाथी उठा, हाथी उठा गांव है। हाथी है ना, इसलिए हाथी उठा। अच्छा अच्छा, कहाँ पे हाथी है? ये हाथी पत्थर वाला। ओके ओके ओके, पत्थर हो गया यहाँ पे। बकरी भी है, छोटे 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 रहते हैं ना बकरी, वो वाली एकदम अंदर घुस गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को दोस्त बोला था कि आसाम में गांव है, बढ़िया है, जा सकते हो, लेकिन लोग डर जाते, पहली बार देखा मैंने। हाँ, बाहर का व्यक्ति कोई ऐसा बैग लेके आता तो डर जाएगा ना। डर जाएगा। ओके, देखना चाहिए। हाँ हाँ, भूपेन हजारी का नाम सुनता है? किसका? भूपेन हजारी का। भूपेन मालूम है मेरे को। हाँ 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 जी, सामने ही हूँ। हाँ हाँ, तो अंकल भी आ चुके हैं मुझे गाइड करने के लिए, आप देख सकते हो। अंकल हाय बोलो, अंकल एक बार। अच्छा, हाँ ये वाला गणेश मंदिर है अंकल। ओके, तो गाइड जहाँ पे सारे बंदे हेल्पफुल है, हालांकि अगर आपको एड्रेस पता नहीं तो बता देते हैं जल्दी, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, लेकिन आप अगर मेरे जैसे आओगे इस बड़े बड़े बैग के साथ आसाम में, तो लोग डर जाते हैं यार गाइज। तो पहले उनको पूरी हिस्ट्री बताओ, तुम क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो, क्योंकि यहाँ पे चोरी होती है, गाय की चोरी, बैल की चोरी या भेड़ बकरी की चोरी होती है ना लोग। अरे अंकल ने भी थोड़ा गाइड किया कि ये मंदिर है गणेश मंदिर, ये वाला गणेश मंदिर है। और गांव का सीन ये है कि यहाँ पे राइस, ये राइस है ना सारा, राइस वाला प्रोडक्शन ज़्यादा होता है गाँव में, और आरामदायी ज़िंदगी यहाँ पे। हाँ, अच्छा जी, इधर है बड़ा वाला, बड़ा वाला। अरे बाप रे, ये तो माना माना डिनर है। हाँ, आराम से अंकल आप पूरा करेगा। अच्छा अच्छा जी, 30-40 फुट का सांप था यहाँ पे, उसको नीचे डाल के ऊपर पत्थर रख दिए, ये हिस्ट्री बता रहे थे अंकल, लगभग 20-30 साल पहले होगा शायद, है ना। आप अकेले आए? हाँ अकेले आया हूँ, गाँव घूमने के लिए। हाँ जी, तो गाइज इनका नाम है, तो इनको भारत रत्न मिला है शायद। ये वाली बकरी देख सकते हो कितना छोटी है यहाँ पे साइज में, है ना। लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हिस्ट्री है? ये है, ये असम का सबसे बड़ा सिंगर था भूपेन हजारिका जो। हाँ हाँ, सुना है मैंने। हाँ सही, भारत रत्न मिला था इसको, भारत रत्न कब में? 1988 में। हाँ, इसका तो ये जन्म हुआ था 8 सितंबर 1926 में। अच्छा, 26। ओके ओके ओके, तो गाइस यहाँ पे बैठा हूँ गांव में, और सारे बंदे खेल रहे, आप देख सकते हो। क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है यहाँ पे आसाम में, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे मैं क्या रह सकता हूँ, क्योंकि वो बंदे मेरे बारे में थोड़ा गलत सोच रहे थे। तो पूछा है, देखते हैं, पूछ के बताएंगे बोले हैं। तो अगर उनको पूछते तो यही रह लूँगा, टेंट लगाऊंगा। लेकिन हालांकि गेम भी खेलने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं खेल पाऊंगा, बैठा हूँ आराम से, देखता हूँ क्या होता है। वो पूछने के लिए गए, अगर हाँ बोलेंगे तो यही रहूँगा, नहीं तो वापस मेरे को फिर सिटी जाना पड़ेगा, सिटी के नज़दीक जाना पड़ेगा रहने के लिए होटल में, है ना। देखता हूँ क्या होता है। Gracias.
गांव में हूँ, मैं नेचर देखने आया था यहाँ पे, तो दो भाई साहब मिले मुझे यहाँ पे, लेके आए मुझे घूमना है यार पूरा गांव। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा गांव है, और ये इनको तो आप जानते हो, मैंने अभी बताया आपको, ये वाले पीछे सारे धान है, यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। तो मुझे रहने के लिए यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है आज के दिन। हालांकि बाहर के बंदे अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई भी डर जाता है ना आसानी से, कि बाहर से कोई आता है तो उनको डर लगता है। तो फिर भी एक दो बंदे थे, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया यहाँ पे इस गांव में। मैं टेंट लगवा दूंगा वहाँ पे, जगह है मेरे पीछे आप देख सकते हो, वहाँ पे आप रह लूँगा आज दिन। हालांकि मेरे पास पावर बैंक नहीं है, लेकिन लैपटॉप से काम चला लूँगा आज ना, कैमरा का बैटरी डाउन हुआ है। तो आज एक दिन यहाँ पर रुकूँगा, कल उठ के यहाँ पर एक तालाब है लगभग 2-3 किलोमीटर आजू बाजू में, वहाँ पे जाऊँगा और तालाब में थोड़ा कल नहा लूँगा, फिर गांव भी घूमूंगा, उसके बाद कल निकल जाऊँगा आगे वाले गांव में, है ना। मेरे दोस्त ने मुझे लोकेशन शेयर किया उसका गांव के लिए, वहाँ पे भी जाना है, लेकिन थोड़ा घूम के जाना है मेरे को, है ना। तो देखता हूँ आज का एक्सपीरियंस कैसा होता है, आज रात का पहली बार रुक रहा हूँ किसी गाँव में मैं, वो भी अलग स्टेट में, आसाम में। हालाँकि बंदे बहुत अच्छे हैं यार, फ्रेंडली है, सारे बंदे फ्रेंडली है। ये आप देख लो, ये वाली बकरी कितनी छोटी, बंदर बंदर तो मंकी तो सारी जगह रहते हैं। फॉक्स हो गया, फॉक्स आता है, फॉक्स को कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सारी जगह आता है फॉक्स। ओके हो गया, और क्या आता है, और थोड़ा थोड़ा खोरू खोरू जानवर, हाँ वो तो चलेगा, लेकिन टाइगर भी नहीं, टाइगर नहीं है, राइनो नहीं मिला। ओके ओके ओके, तो इतने आते हैं छोटे मोटे। तो गाइस यहाँ पे लगभग मंकीज है और फॉक्स भी मिलते हैं, लेकिन टाइगर वगैरह नहीं आते यार, सेफ है, थोड़ा रह लूँगा आज एक दिन। तो भाई साहब बता रहे थे इनके बारे में हिस्ट्री, ये बहुत बड़े सिंगर है आसाम के, आसाम के नजर गया, हाँ हाँ आसाम, हाँ भारत रत्न इनको मिला है 1920। तो गाइस ये भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे हर साल एक महीने के लिए लगभग जून जुलाई, हाँ अप्रैल अगस्त, ओके एकता माह हो गया, एक ही मंथ, एक मंथ, ओके एक मंथ जून जुलाई या अगस्त के बीच में, एक मंथ में यहाँ पे पानी भर जाता है पूरा 2-4 फुट पानी भर जाता है। तो सारे जो रहने वाले लोग हैं ना, वो पहाड़ के ऊपर जाते हैं एक महीने के लिए, तंबू वहाँ पे गाड़ते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ऐसे भाई साहब बोल रहे हैं। मेरे को शौक लगा यार, पहली बार सुन रहा हूँ कि गाँव छोड़ के जाना यार, पूरे घर पानी में भीग जाना, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है गाइज, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये बंदे ने, ये सारे बंदे मेरे बहुत हेल्प किया यहाँ पे, मेरे को रहने के लिए जगह दे दी है, एक रूम है यहाँ पे, तो उस रूम में इन्होंने इंतजाम कर दिया मेरा, यहाँ पे लगवाऊंगा टेंट। ये भाई साहब है और ये सारे बंदे मेरा बहुत हेल्प किया है। तो मॉर्निंग आपको क्लियर दिखाऊंगा, अभी तो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। कल आज एक दिन यहाँ पे रुकूंगा और कल इस गांव घूमूंगा, गांव का जो तालाब विलाब है देखूंगा नज़ारा, तो कल यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है गाइस। ये वाले बंदे थे बहुत सारा, मैं इन्होंने हेल्प किया, थैंक यू आपका। जो पहाड़ है ना, इसमें जो पत्थर है, हाँ जी हाँ जी, वो भी देख सकते हैं आप। हाँ हाँ, मैंने हालांकि आज थोड़ा बहुत घुमा हूँ, लेकिन उतना नहीं, शाम को आया था ना, लेट आया था, तो कल मॉर्निंग में घूमूंगा सही में। ओके, ये वाले बंदे थे यार गाइस, आसाम में पहला एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही अच्छा। हालांकि 2 दिन में होटल में रुका था गुवाहाटी में, लेकिन ये वाला पहला एक्सपीरियंस रहेगा गाँव में। तो गाइस आप देख सकते हो, मेरे लिए इतने सारे बंदे काम कर रहे हैं यार, मेरे लिए यहाँ पर लाइट भी नहीं था, लेकिन इन्होंने कोशिश करके खंभे पर चढ़ के लाइट वीट सारा इंतजाम कर दिया मेरा, और फैन टेबल, बहुत ही अच्छे बंदे यार आसाम में से ही। तो आपको सारे वो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो एक बार, हाई कर दो सारे, बहुत ही अच्छे बंदे यार आसाम में, आप देख लो, ये रोजा है, रोजा है, गांव का रोजा है। एंड बहुत ही हैप्पीफुल पीपल है, क्योंकि एंजॉय करते हर बात पे, है ना। तो अच्छा लगा आज यहाँ पे रह के। तो हे गाइस, मैं थोड़ा बाहर आया था एक फ्रेंड के साथ, उन्होंने उनके घर भी इन्वाइट किया था, तो आया घूमने, उनकी बच्ची है शायद, और ये पीछे वाला उनका घर। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, पहली बार आसाम में। तो दोस्त के घर आया हूँ आसाम में, तो उनका घर देख सकते हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उन्होंने इनवाइट किया था मेरे को उनके साथ आने के लिए। तो पूरी खातिरदारी अच्छी हो रही है, सारे बंदे यहाँ के अच्छे, मैं हर एक बार बोलूँगा आपको ब्लॉग में, ठीक है। घर बना के रखता है, अच्छा वो पैर गिर के टूट गया, नहीं नहीं सही है सही है, कोई बात नहीं यार, इतना आपने इतना हेल्प किया, वहाँ पे लाइट लगाया मेरे से। तो गाइस आप देख सकते हो, इतना सारी खातिरदारी यहाँ पे हो रही है, भाभी ने कुछ दिया है खाने के लिए यार। मैं हालांकि मैंने 4 बजे खाना खाया था, बढ़िया, वहाँ पे लगभग कौन सा चंद्रपुर था ना, वो चंद्रपुर में,
तो उसके बाद फिर भी अभी देर है, इनकार तो नहीं कर सकते ना, तो मैं खाऊंगा। फिर अच्छे तरह से बात हो रहा है, कल्चर के बारे में जानकारी मिल रही है, आसाम की जो भी कल्चर है, जो ट्राइब्स है यहाँ पे उसके बारे में। हालांकि यहाँ पे थोड़ा लाइट तो सारे घर में लाइट है यहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने लाइट चालू कर दी है मेरे को वहाँ पे रूम पे। तो मेरा तो टेंट है, मैं अभी लैपटॉप निकाल के एडिट वेडिटिंग करके वहाँ पे बैठ जाऊँगा आराम से। तो इन्होंने बोला कि चलो मेरे घर, तो इनके घर आया था थोड़ा देखने के लिए। और ये मैरिड पर्सन है, उनके दो बच्चे भी है वहाँ पे, आप देख सकते हो, छोटी वाली एक है और बड़ा वाला एक बंदा है, इसका नाम बाबू है, ठीक है। तो यही सीन है, तो मिलता हूँ कल मॉर्निंग। ये वाली आई, ये वाली को देख लो।